हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करारा शरारा पैन की कटिंग एंड स्टिचिंग, और इसे मैंने डिज़ाइन किया है कोटा पट्टी के साथ और एक डिफरेंट लेस भी यूज़ किया है। और ये मैंने बनाया है कॉटन मटेरियल में, जैसे कि मैंने बताया था ये कॉटन मटेरियल मैंने ऑर्डर किया है वेबसाइट से द डिज़ाइन कार्ट। इस वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करेंगे और मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये पैन बनाने के लिए हम फैब्रिक को सबसे पहले चार भाग में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से हम 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। ये हम अपने बेल्ट के लिए मार्क कर रहे हैं, तो 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। तो पैन बनाने के लिए आप अपना वेस्ट राउंड नहीं, हिप्स राउंड मेजर कर लीजिए। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप उसमें 4 इंच ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपको 4 से डिवाइड करना होगा। 4 इंच हमने लूजिंग के लिए ऐड करेंगे, तो मेरी केस में आता है 13 इंच। तो फोल्डेड साइज से हमने 13 इंच पर एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम अपना आसन का मेजर ले लेंगे। तो आप अपना आसन का मेजर जितना आपका हिप्स राउंड आएगा उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अपना आसन मार्क कर लीजिए। तो यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क करके हम इसे स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब हम बाहर की तरफ 1.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। अक्सर जब आप पैन बनाते हैं तो बाहर की तरफ हमें 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा, लेकिन साइड में हम क्रॉस कर्व के तरफ ट्रायंगल शेप में फैब्रिक लगाएंगे, इसलिए हमने 1.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम हाइट मेजर कर लेंगे, आपकी कितनी हाइट रखना है आपको अपने गरारा पैन की। तो यहाँ मेरी टोटल हाइट है 38 और रफल के ऊपर वाली हाइट का मैं मेजर रखूँगी 18 इंच। तो बेल्ट की साइज़ जो हमने 2 इंच मार्क किया था उसे छोड़ते हुए हम 18 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे और इसे स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम नी राउंड्स का मेजर लेंगे। आपका जितना भी नी राउंड्स है उसे आप 2 से डिवाइड कर लीजिए और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए मार्जिन के लिए। तो मेरे केस में आता है 12 इंच, तो मैंने 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। इसे क्रॉस कर्व के साथ इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपको 2 फैब्रिक मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था क्रॉस कर्व की तरफ हमें एक ट्रायंगल शेप में फैब्रिक लगाना है, तो उसकी कटिंग हम करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को हम सबसे पहले हाफ में फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हमने दोबारा फोल्ड कर लेंगे। फिर फोल्डेड साइड से हम चौड़ाई मेजर करेंगे। तो यहाँ मैंने चौड़ाई रखा है 3 इंच और लंबाई हमने रखा है 8 इंच, और दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए इस तरीके से स्लांट वे में इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब इन मार्किंग को हम कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है, और बॉटम से जो फोल्डेड साइड है वहाँ से भी आपको कट लगा लेना होगा। इस तरीके से हमें 2 ट्रायंगल मिलेगा। अब हम इसे अपने पैन पे लगाएंगे। हमें किस तरीके से लगाना है, तो हम सबसे पहले एक हिस्सा फैब्रिक का निकाल लेंगे और एक हिस्से पे ट्रायंगल को लगाएंगे क्रॉस कर्व की तरफ। तो फैब्रिक को सीधा रखेंगे और ट्रायंगल को उल्टा रखते हुए सबसे पहले 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई देंगे। उसके बाद आगे की तरफ रखते हुए ऊपर से टॉप स्टिच दे देंगे। इसी तरीके से हमें दोनों ट्रायंगल को लगा लेना होगा। ट्रायंगल लगाने के बाद जो दूसरा हिस्सा है फैब्रिक का उसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और क्रॉस कर्व की सिलाई दे देंगे। तो ट्रायंगल लेते हुए आपको क्रॉस कर्व की सिलाई देना होगा। सबसे पहले आप ट्रायंगल अटैच कर लीजिए एक फैब्रिक पे, उसके बाद दूसरे फैब्रिक पे इस तरीके से ट्रायंगल को लेते हुए 1/2 इंच की दूरी पे रखते हुए आपको क्रॉस कर्व सी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ क्रॉस कर्व ज्वाइन कर लिया है और साथ ही साथ हमने ट्रायंगल भी लगा लिया है। अब हमें नीचे रफल लगाना है, तो उसकी कटिंग हम करेंगे। तो यहाँ हमने घेरे का जो मटेरियल है वो हमने 3 पार्ट में कट किया है और इसकी हाइट हमने रखा है 20 इंच। तो ईच फैब्रिक मेरा रहेगा ऊपर वाला और नीचे वाला, जो हमने टॉप का मटेरियल यूज़ किया उसका जो हाइट रहेगा वो 5 इंच रखा है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, और जो सेंटर वाला फैब्रिक है उसकी हाइट हमने 10 इंच रखा है, और लंबाई हमने 1.5 मीटर रखा है एक साइज़ के रफल के लिए, क्योंकि जब हम प्लीट्स लगाएंगे तो अकॉर्डिंग हमारा नी राउंड्स के जितना लगेगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना होगा तीनों ही फैब्रिक को। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। ये मैं सिर्फ एक ही रफल बता रही हूँ, सेम तरीके से आपको दोनों साइड्स के लिए करना होगा। अब आपको इस तरीके से छोटी प्लीट्स देना होगा अपने नी राउंड्स के जितना, और साथ ही साथ इस तरीके का लेस लगा लेना होगा। ये लेस हमने टॉप पे भी यूज़ किया है, सेम लेस आप इसके जॉइंट पे भी लगा लेना होगा। और जो बॉटम वाला हिस्सा है, बॉटम पे जो हमने 5 इंच का अपना
पट्टी लगाया है टॉप के मटेरियल का, उसके ऊपर आपको आधे आधे इंच की दूरी पे इस तरीके से गोटा पट्टी लगा लेना होगा ऑल ओवर। तो आप देख रहे मैंने ऊपर प्लीट्स लगा लिया है और जॉइंट पे लेस लगा लिया है। दोनों लेस हम इससे लगा लेंगे और नीचे हमने गोटा पट्टी आधा इंच की दूरी पे लगा लिया है। इस तरीके से हमने दोनों रफल प्रिपेयर कर लिया है दोनों पार्ट के लिए। अब हम अपने पैंट पे अटैच कर लेंगे। पैंट को सीधा रखेंगे और रफल को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और बिल्कुल आपको इसके ऊपर स्ट्रेट सिलाई दे देना होगा। इसी तरीके से आपको दोनों साइड आपको रफल लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ रफल लगा लिया है और दोनों साइड। अब हमें दोनों क्रॉस एरिया मिला लेना होगा और इनर लेग सी लेना होगा। यहाँ हमने इनर लेग सी लिया है। अब हमें ऊपर इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक लगाने के लिए हमने इलास्टिक की जो लंबाई है वो हम अपने वेस्ट राउंड के जितना लेंगे। सबसे पहले हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे एंड स्टिचिंग ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया इलास्टिक को और अब हम इसे अपने पैंट पे अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको आधे इंच की दूरी पे ऊपर सिलाई दे सकते हैं या फिर साथ में आप बेल्ट इस तरीके से रखिए, ऊपर की किनारियों को आधे इंच की दूरी पे मोड़िए, उसके बाद आप पूरा बेल्ट पे इस तरीके से लेते हुए बेल्ट को खींचते जाइए और राउंड में आप इसे स्टिच कर लीजिए। इलास्टिक अटैच करने के बाद आपको सेंटर से भी एक और बार सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ इलास्टिक अटैच कर लिया। इस तरीके से मेरा ये गरारा शरारा पैंट रेडी हो गया है गाइस। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट कुर्ते ऑलरेडी आपसे शेयर कर लिया है। सो गाइज़, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।